बोल दिया है क्या सेक्रेटरी को बोल दिया है 2017 से लेकर के अभी तक हम समीक्षा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं काव्य कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार सरकार में बने नए मंत्री रत्नेश सदा का एक बार फिर से बयान आ गया है। जब से रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ ग्रहण किए तब से वो एक्शन मोड में दिख रहे हैं, एक्शन मोड में हैं, और अब जो है वो संतोष सुमन पर बयानबाजी और सवाल उठाते हुए नजर आए हैं। वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि संतोष सुमन के कामों की समीक्षा करेंगे, सारी फाइलें निकाली जाएगी। सबसे पहले आप रत्नेश सदा को सुने कि वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उनके कार्यों की समीक्षा भी आप करेंगे अपने विभाग की? हम बोल दिए क्या सेक्रेटरी को बोल दिए है 2017 से लेकर के अभी तक हम समीक्षा कर रहे हैं। हम बोले उन्होंने 80 से लेकर के 2023 तक मंत्री विधायक से मंत्री, मंत्री से मुख्यमंत्री तक बनते हुए समाज के लिए उन्होंने क्या किया, समाज के साथ धोखा दिया। इन्होंने कहा जब त्याग पत्र दिया इसका बेटा का मुसार को या दलित को अपमानित करता है नीतीश कुमार, कल देखे होंगे जिस व्यक्ति के निकट गया वह जूता खुलवा दिया, नहीं खुलवाया है महाकिया पर पानी कहीं पानी कहीं कहीं समुदाय के हम किसको हम देख लेंगे तो हम देख लेंगे। और वहाँ जाने के बाद जो दृश्य देखे जी हमारे बाबा दशरथ कुमार जी जो किए और उनको हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार पर्यटन स्थल में सूचित करके खास करके हमारे समाज के को सम्मानित करने का काम, जो काम सरकार नहीं किया था वह काम हमारे पर्वत को दशरथ माझी करके दिखाए, उसी को हम देखने के लिए गए। कब जब समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाया, समाज के सम्मान बढ़ाया, वो दशरथ माझी आपने बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को सुना जो कि संतोष सुमन पर एक बार फिर से सवाल खड़ा करते हुए नजर आए हैं। उनका ये कहना है कि संतोष सुमन के कामों का समीक्षा करेंगे, सारी फाइलें निकाली जा रही है, जैसा कि आपने बयान में भी सुना होगा। दरअसल आपको बता दें कि रत्नेश सदा गया पहुंचे हुए थे, जहां पे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान देते हुए नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि संतोष सुमन और मांझी के जो कामों की समीक्षा करा रहे हैं, मांझी और संतोष सुमन एसटीएससी कल्याण के मंत्री रह चुके हैं। जेडीयू की ओर से जो है एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें रत्नेश सदा भाग लेने पहुंचे हुए थे, जहां पे वो संतोष सुमन पर बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं, सवाल उठाते हुए नजर आए हैं, ये कहते हुए नजर आए हैं कि संतोष सुमन के कामों की जो है वो समीक्षा कराएंगे कि आखिर कैसा काम हुआ था, कितना काम हुआ था, ऐसा रत्नेश सदा का कहना है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।